प्लीज हाँ बताओ मुझे क्या हुआ। निदा ने कुछ कहा है क्या? निदा से तो मेरा सामना ही नहीं होता, और सामना हो भी जाता है तो वो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। फिर मामा ने कुछ कहा है? ये अपनी मामा से पूछो, मुझसे नहीं। खुदा हाफिज। हेलो सारा, हेलो मामा से पूछो। हेलो असद बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? जी मामा, दरअसल जारा का फोन आया था अभी। अच्छा, रो रही थी वो, कोई बात हुई है क्या? क्या कहा उसने? हुआ क्या मामा, गुस्से में भी लग रही थी वो। उसने नहीं बताया कि क्या हुआ है? नहीं बताया, तभी तो आपको फोन कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, मुझे जारा से ये उम्मीद नहीं थी। इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें रात को जगा के परेशान करेगी? कैसी छोटी सी बात? आई टोल्ड यू, ब्यूटी पार्लर ले जाने का मेरा प्लान था। उसके बाद मैं उसे पार्टी पे लेके जा रही थी साथ। उसकी बहन का अचानक फोन आ गया, तो इसने बदतमीजी से मुझे मना कर दिया। मुझे उसका लहजा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने हल्का सा डांट दिया उसे। बस अपसेट हो गई। बस इतनी सी बात? हाँ, लेकिन अब बेटा इस टॉपिक पे उससे कोई बात नहीं करना, मैं खुद ही बात करके संभाल लूंगी, ठीक है ना? मैं तो अपनी तरफ से उसका दिल बहलाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। पता नहीं लड़की खुशी नहीं होती। बेटा तुम्हें और निदा को भी तुम्हें डांट देती हूँ। हल्का सा डांट दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है उसमें? आई मीन यू ट्रस्ट मी, यू नो कि मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूंगी। जी जी मामा, ऑफ कोर्स। मैं तो इतनी खुश थी कि जारा मेरे साथ है घर में। तुम्हें तो पता है निदा यूनिवर्सिटी में बिजी रहती है, सोचा जारा होगी तो मेरा दिल लगा रहेगा, हम शॉपिंग जाएंगे, खानों पे जाएंगे। आई जस्ट वांट टू कीप हर अ सेफ डिस्टेंस। मैं ये रोज रोज का ड्रामा ना नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। ऐसा आई एम रियली हर्ट। मुझे ये उम्मीद नहीं थी जारा से। मैंने अपने बच्चों से ज्यादा उसका ख्याल रखने की कोशिश की है बेटा। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। क्या बताऊं मैं तुम्हें? हाँ मामा, आप सही कह रही हैं, मैं समझ सकता हूँ। सब परेशान मत हो, मैं करता हूँ। ओके, व्हाटएवर यू से। ठीक है मामा, बस आप अपने आप को ठीक रखें प्लीज। मैं बात करता हूँ जारा से। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बोलो असद। सारा, मुझे मामा ने सब कुछ बता दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें सब पता चल चुका है? हाँ सारा, इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दिया तुमने। तुम्हारी बात से बहुत डिस्टर्ब हुई, दुख हुआ उन्हें। उन्हें दुख हुआ मेरी बात से? देखो सारा, जिस तरह मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी तरह मैं उन्हें भी दुख में नहीं देख सकता। देखो तुम प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मनाया करो, और उन्हें किसी बात के लिए मना भी मत किया करो। उन्हें दुख मामा को। देखो जारा, बात को प्लीज यहीं खत्म करो। वो बहुत हर्ट हुई है, उनका ख्याल करो। बड़ी है हमसे, अब जैसी घर आती हैं इनसे मिलना, उनको सॉरी कहना और बात को वहीं खत्म कर देना। उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? देखो असद, सारा तुम फिर आर्गुमेंट कर रही हो।
नहीं रबिया, किसी खास टॉपिक पे ना उससे बात मत करना, उसे बस कंफर्टेबल रखो ताकि वो रिलैक्स्ड रहे। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। आओ। कोई खास काम है? मैं शायद बाकी आपसे ऊंची आवाज में बात कर गई। तुम्हें तो अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा कि तुमने किया क्या है। शायद आपसे ऊंची आवाज में बात की। माफी चाहती हूँ आपसे। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। और कुछ? नहीं, बस माफी मांगनी है। मांग ली ना, जाओ। आप सही कहती हैं, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी मामा, अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर लूं और आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं। मेरे पास ऐसी फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। अब जाओ यहाँ से। आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। अब तो नहीं रही। Did you get a good sleep? नहीं। इसका मतलब है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। I really think you should go see a doctor. या मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ, whatever suits you. नहीं, it's okay. डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। Sure? I mean, I've never seen you this quiet or dull. कोई बात नहीं, इंसान हूँ। कभी कभार डाउनर आता है, चला जाएगा खुद ही। It's okay. I don't know if it's my place or but kehte hain ki kabhi jab dil bhari hua ho to baat kar leni chahiye halka karne ke liye. Kya batau, kya kahun? Apna dil halka kar le. Tell me what's bothering you. Maybe I can help. सारा को हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था घर में। मेरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, यहाँ तक कि मामा को छोड़ने तक को तैयार हो गया था। लेकिन सारा ने मामा से मिसबिहेव किया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कभी कभी हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं बिना सोचे समझे। प्रॉब्ली शी वाज जस्ट अपसेट, हैविंग अ बैड डे। नहीं, सही है, सही कह रही हो, लेकिन मेरी माँ है, मैं उनकी
इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वाकई ज़ारा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। Well, if it bothers you that much, I think you should talk to her straight up. उसको बोल दें कि मेरी लिमिट है ये, मेरी मॉम के बारे में कोई इस तरीके से बात करें मुझे अच्छा नहीं लगता। You need to fix things with her. Besides, your mom is a really, really sweet lady. I mean, the way she takes care of you, the way she worries about you, if you have eaten well, if you have slept well, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है या नहीं? I wish I had someone like her in my life. मैं तो अपने आप को seriously सबसे lucky लड़की महसूस करूँगी. So yeah, I guess she deserves that much respect. You should fight for it. करने बात सारी। Exactly, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मामा के खिलाफ कोई भी बात करे, कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज़ारा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, सबको साथ लेके चलने वाली, ख्याल रखने वाली। शायद क्या आई नो से मुझसे दूर होने की वजह से परेशान है बस वो। सच तो यह है कि मैं भी उससे दूर है कि बहुत परेशान रहता हूँ, दिल नहीं लगता मेरा। दिल टूटा जग छूटा मत दे फेरे औखे ने मेरे किसनू मैं हाल सुनावा कोई नहीं तेरा दिल कहंदा मेरा दस मैं किस दर ते जावा आखियां ने किथे जावा मैं ना किसे दी ना कोई मेरा ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा ना करियो ना करियो ना करियो मैंने मामा से माफी मांग ली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ारा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने मामा से माफ़ी मांगी, सब कुछ क्लियर किया, थैंक यू। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ असद, मामा से माफ़ी मांगना तो बहुत छोटी बात है मेरे लिए। देखो मेरा मतलब तुम्हें इंसल्ट करना, तुम्हें लेट डाउन करना नहीं था, सिर्फ चाहता हूँ कि मामा हमसे खुश रहें। वो हमारी बड़ी हैं, इतनी केयर करती हैं, हमारी इतना ख्याल रखती हैं, जिंदगी की सख्तियां बर्दाश्त करके ना थोड़ी सी तलख हो गई है वो, इसलिए अब अगर कोई गलत बात कर जाए, कोई ज्यादती कर जाए तो प्लीज माइंड मत किया करो, बर्दाश्त किया करो। तुम फिक्र नहीं करो असद, आइंदा तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम उसे नाराज तो नहीं होना? देखो तुम मेरी अपनी हो ना, तुमसे तो कह सकता हूँ मैं, बस आई होप तुमने बुरा ना मनाया और मुझसे नाराज ना होना प्लीज। नहीं असद, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जो वक्त मुझे तुम्हारे साथ गुजारना चाहिए था उस वक्त मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और
वो वक्त भी दूर नहीं है जब हम दोनों साथ होंगे। बस किसी तरह ये वक्त गुजर जाए। बस बस इसी उम्मीद पे तो ये तन्हाई काट रही हूँ कि एक दिन हम साथ होंगे, खुश होंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बस तुम परेशान ना हुआ करो। अच्छा सुनो, एक लीगल मैटर है, मुझे उसके लिए मीटिंग पे जाना है। मैं रात को फ्री को कॉल करूँ तुम्हें। ओके बाय, खुदा हाफिज़। मैं तो समझती हूँ असद, सब समझती हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी बात तुम्हारी मम्मा नहीं समझ पा रही है कि मेरे लिए भी मेरे माँ बाप, मेरी बहन बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे छोड़ दूँ मैं अपने इन प्यारे रिश्तों को, लेकिन तुम दूर हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और मम्मा ने ये सब मुझे तुम्हें बताने से रोका है, बल्कि धमकियां दी है। काश तुम आ जाओ वापस, जल्दी आ जाओ, आ जाओ मेरे पास ऐसे, प्लीज आ जाओ। कब से यहाँ लेटी हो, खाना नहीं खाना? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना खाना। ये क्या जिद है अफशी, खाना नहीं खाओगी तो दवाएं कैसे पियोगी? ना मैं खाना खाऊंगी ना दवा पियूंगी, जब तक आप ही नहीं आएंगे मैं कुछ भी नहीं करूंगी। या तो आप ही को बुलाएं या मुझे उनके पास लेकर चलें। अभी अभी कैसे जा सकते हैं, टाइम देखा है तुमने? मेरी आप ही का घर है, जब चाहे जाऊं मैं। तुम्हारी आपी की शादी हो गई है बेटा, अब उसका ससुराल है, सौ मजबूरियां होती है। तो क्या शादी के बाद घर वालों से मिलना मुश्किल हो जाता है? हाँ शायद कभी कभी। तो फिर मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं यही आपके साथ और अब्बू के साथ हमेशा रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन खाना तो खा लो। पहले आप प्रॉमिस करें सुबह आप मुझे आप ही के पास लेकर जाएंगी। पहले तुम खाना खा लो, दवा पी लो, आराम करो, उसके बाद लेकर जाऊंगी। ठीक है? ठीक है मेरा बच्चा। ये क्या है, यानी आप लोगों को इन लीगैलिटीज का बिल्कुल भी पता नहीं था? अब क्या करना है मुझे, प्लीज बताएं। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, प्लीज लेट मी लुक इनटू दिस, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। क्या हल निकलेगा इसमें? आप लोग सैलरीज लेते किस बात की है? आप यहां की रहने वाली हैं, यहां की रूल्स रेगुलेशन का तुम्हें पता होना चाहिए था, फिर ये कैसे हुआ? इस फाइल को लो और जला दो इसे, प्लीज। सर वी आर एक्सक्यूज मी। हेलो असद कहाँ है, वो फोन नहीं उठा रहा, खैरियत तो है? इधर ही है, ही इज जस्ट लिटल अपसेट राइट नाउ। मैं बात करवाती हूँ आपकी। हेलो मामा। असद बेटा कहाँ थे, मैं तो परेशान हो गई थी। तुम्हारा फोन कहाँ है? नहीं शायद कार में भूल गया मामा। ये क्या मसला है, आपने कहां फंसा दिया मुझे? सेकंड ब्रास की डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ एक पेपर की कमी थी, उसकी वजह से ये मसला खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी बेटा। कैसे हैंडल कर लेगी मामा? डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। अरे असद बेटा हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है, जस्ट रिलैक्स। नहीं हैंडल कर सकता मैं मामा, बस मैं वापस आ रहा हूँ। परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। मामा मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं, आपको अंदाजा भी कैसे बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ, मुझसे ऐसे बात कर रहे जैसे मैं इंसान नहीं खुद के। मैंने मामा मेरे मुल्क में सब कुछ है तो मैं यहाँ क्यों? मैं गोरों की चापलूसी नहीं कर सकता, और बस मैं यहाँ पे और नहीं रहूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ।
सॉरी असद। हेलो हेलो सॉरी प्लीज रबिया, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। प्लीज किसी को कह के कार से मेरा फोन मंगवा देना। थैंक यू। क्यों असद को बार बार तंग कर रही हो? क्यों उसको टेंशन दे रही हो? तुम्हें पता है मैंने लाखों रुपए खर्च करके ना उसको वहां सेटल किया है। तुम चाहती हो कि वो वापस आ जाए? क्यों? क्या तुम समझती हो कि उसके वापस आने से तुम्हारी हैसियत और अहमियत इस घर में बदल जाएगी? हरगिज नहीं। तुम्हारा ये जो ख्वाब है ना कि तुम अपनी पूरी जिंदगी असद के साथ गुजारना चाह रही हो, ये ख्वाब ही बन के रह जाएगा। जिस तरह तुम मेरे और असद के दरमियान आई थी ना, अब मैं तुम दोनों के बीच एक दीवार बन के खड़ी रहूंगी। तुमसे पास नहीं आने दूंगी तुम्हारे। तुम लाख कोशिश कर लो, वो वापस नहीं आएगा। अब मैं उसे तुमसे छीनूंगी। उसको फोन करना छोड़ दो। खबरदार जो आज के बाद तुमने उसे वापस आने की कोई बात की, समझी? ये मैं क्या सोच रही, उसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। उसकी क्या हैसियत है, औकात क्या है उसकी? हमारा उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो असद को वापस बुलाने का सोच भी रही है ना, तो सोचती रहे। मैं उसे वापस थोड़ी आने दूंगी, कभी नहीं। क्या हुआ बीबी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, वो थोड़ा सर भारी हो रहा है, दर्द हो रहा है सर में। कोई मेडिसिन है? अरे आप तो चल रही हैं, इतना तेज बुखार है आपको। आप जाएं अपने कमरे में, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जाएं। शमीम, शमीम, बहरी हो गई हो? जी मैं आपके लिए जूस लेके आ रही थी, वो इनको बहुत तेज बुखार है तो। और तुम इनकी हमदर्दी करने लग गई? ये तो मैं तनख्वाह देती है, जो तुम इसकी तिमारदारी कर रही हो। नहीं मैं तो वो। वो मैं क्या? जो लोग अपनी में रहते हैं ना, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। जूस फौरन मेरे कमरे में लेकर आओ। जी। आप जाएं अपने कमरे में, मैं पहले उनको जूस दे दूं, फिर डॉक्टर को फोन करती हूँ। जाएं। कह दिया ना बस नहीं खाना तो नहीं खाना। हफशीन फिर वही रात वाली जिद। आपने मुझसे वादा किया था कि सुबह हम लोग आप ही के घर जाएंगे, अब तो आप ही मुझे खाना खिलाएंगी, बल्कि दवा भी वही खिलाएंगी। देखो मुझे परेशान मत करो बेटा। अरे भाई क्या सुबह सुबह माँ बेटी में लड़ाई शुरू हो गई? बस ऐसे बिला वजह की जिद। अच्छा खुदा हाफिज। सलामुलेकुम जिलानी साहब। अच्छा तुम नाश्ता कर लो, दवा खा लो, दोपहर को ले जाऊंगी। इतनी सुबह सुबह कैसे जा सकते हैं अभी? क्या मुसीबत है, सुबह भी नहीं जा सकते, रात को भी नहीं जा सकते। चलो ठीक है नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी आपी को यहीं बुला लेती हूँ, ठीक है?
चले ठीक है, कर लेती हूँ। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। छोटी बीबी दवा ले ले। डॉक्टरनी को हाल बता कर लाई हूँ आपका, कह रही थी अगर शाम तक आराम ना आए तो साथ ले आना। अब आपने दवा खा ली है, आप आराम करें। असद का फोन। हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही, क्या बात है? कुछ नहीं, सारी रात से बुखार है असद। बुखार है तुम्हें? तुम डॉक्टर के पास गई? हाँ, शमीम ने दवा दी है, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ना ख्याल रखा करो ना तुम। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज? मैं कल की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। असद वाकई? वाकई तुम आ रहे हो? हाँ बस मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ रहा हूँ, तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे पास आऊंगा बस। जी सुनो, मैं एक काम से निकल रहा हूँ, मैं वापस आके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। असद सुन, शमीम असद आ रहे हैं कल। सच में? हाँ। लो जी, आपका बुखार तो उड़न छू हो गया, आपको इस दवा की नहीं उस दवा की जरूरत थी। असद साहब की आवाज ही आपकी दवा है, अल्लाह आपकी खुशियां सलामत रखे। हाँ हाँ, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसका मसला क्या है? चाहती क्या है ये? क्यों हर रंग मिस्कीन सी शक्ल बनाकर घूमती रहती है? किसका प्रॉब्लम? भाई की स्वीट हार्ट। क्या मसला है इसके साथ? सुबह सुबह इसकी शक्ल देखिए, पूरा दिन बुरा गुजरेगा। और आप शमीम को समझा दें, बहुत हमदर्दी कर रही है इसके साथ, निकाल दूंगी मैं से। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अच्छा मैं समझा दूंगी, तुम इतनी टेंशन मत लो, रिलैक्स। और मुझे एक बात तो बताएं, जब भाई यहाँ नहीं है तो इसको यहाँ रहने की क्या जरूरत है? दूर क्यों नहीं हो जाती इस घर से? अगर इस घर से दूर होगी ना तो तुम्हारे भाई के करीब हो जाएगी। इट्स बेटर शी स्टेज अंडर आवर नोज। उसपे नजर रखना बड़ा जरूरी है, दुश्मन को हमेशा करीब रखते हैं। और आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी तुम्हारी बातें। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही आपकी बात। बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, आगे जाके सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। जस्ट ट्रस्ट मी एंड रिलैक्स। अब मैं दफ्तर जा रही हूँ, शाम को बात करेंगे। इन द मीन टाइम झगड़ा मत करना किसी से। वैसे सच में बेगम साहिबा, इससे पहले मैंने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ ठीक कह रही हो, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हम औरतें अपने मर्दों को ही तो सब कुछ मानती हैं। वो खुश तो हम खुश, वो उदास तो हम उदास। हमारे मालिक हमारे सर का ताज होते हैं। हाँ ऐसा ही है। अच्छा शमीम बताओ, मैं इन दोनों में से कौन सा पहनूं, ये या ये? कोई भी पहन ले, आप पे तो सभी रंग अच्छे लगते हैं। कोई एक बताओ ना प्लीज, ये या फिर ये? ये वाला पहन ले, आपके रंग से भी मिल रहा है। अच्छा ठीक है, यही पहनती हूँ। हाँ शमीम,
माली से कहना फूलों का अच्छा सा गुलदस्ता तैयार करके रखे। जी जी कह दूंगी, आप फिक्र ना करें, आप बस अपनी तैयारी करें, कल अच्छी सी तैयार होके जाइएगा एयरपोर्ट। देखो कोई आया है। मैं देखती हूँ। इस बार आ जाओ असद, फिर कभी नहीं जाने दूंगी, अगर गए तो मर जाऊंगी। छोटी बीबी, छोटी बीबी। हाँ शमीम। आपकी अम्मी और बहन आई है। अच्छा अम्मी आई है, तुमने उनको बिठाया? जी बिठा दिया। सही है, तुम चाय बनाओ, मैं आती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें फोन करके बताने वाला था कि मैं आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। About that, Asad, I don't think you can leave tonight. मेरी फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है, पैकिंग भी कर चुका हूँ। फ्लाइट तो कंफर्म हो गई है, but कुछ प्रॉब्लम्स हैं। Unfortunately, आज जाना I don't think possible होगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ बैठ के मैं इनकी गुलामी करूँगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा रबे, मेरे मुल्क में सब कुछ है, तो इतनी ही मेहनत मुझे वहां पे जाके करनी चाहिए। खैर तुम बताओ किस लिए आई, कोई खास काम था? ये क्या है? Apparently, कंपनी में कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, and for some reason, आपके नाम पर अरेस्ट वारंट है। We're trying to sort it out, but arrest warrant. So tonight, I don't think you're leaving. Yes, darling. Why is this? What is this? मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया आपने? क्या हुआ बेटा? क्या मतलब मामा, आपको पता नहीं है क्या? मैं वापसी की तैयारी कर चुका था और अभी ना आके मुझे भी खबर दी है कि मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। अच्छा अच्छा रिलैक्स, डोंट पैनिक, मैं कुछ करती हूँ। क्या करेंगे मामा, यहाँ पे इतनी बड़ी सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, क्या हाल है इसका, मैं क्या करूँ? बेटा आई एम टेलिंग यू ना, जस्ट रिलैक्स, डोंट गेट सो स्ट्रेस्ड। कैसे ना टेंशन लूं, कैसे रिलैक्स रहूं मैं? मामा मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, आपको बात समझ में आ रही है क्या? मैं परेशान हूं तुम्हारे लिए बेटा, फोन बंद करो, मैं चेक करती हूं क्या हो रहा है। आई कॉल यू बैक ना। प्लीज मामा कुछ करें प्लीज। Don't worry, everything will be sorted out. Apni mom pe trust rakhe, she has a lot of contacts. Agar aaj nahi to kal tak mein mamla hal ho jayega. You know what? I think you need a cup of coffee. Let me get you some. Khana kyun kam khaya aapne? बस उम्र के साथ साथ भूख भी कम होती जा रही है। अब ऐसी भी बात नहीं है भाई, ऐसी उम्र में तो खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल जितना भी रखे हैं, जो वक्त लिखा है वो टल नहीं सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी इन बातों की क्या वजह है, क्यों भूख मर गई है आपकी। हाँ मैं जारा के बारे में सोचता रहता। हाँ आज मैं अफशीन को लेकर जारा के यहाँ गई थी। ये क्या किया तुमने? खाम खा उस बेचारी को परेशानी में डाल दिया। याद नहीं उसकी सास ने किस तरह मना किया था, अच्छा नहीं किया तुमने। अरे भाई अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो हमें देखकर बहुत खुश हुई, अकेली थी घर पर, आपको बहुत याद कर रही थी, कह रही थी कि कल असद आने वाला है उसके साथ मिलने आएगी वो आपसे। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने, सुनकर इत्मीनान हुआ।
अल्लाह मेरी बेटी की खुशियां कायम रखे। आमीन। या अल्लाह ये वक्त क्यों नहीं गुजर रहा, कब सूरज निकलेगा, कब सुबह होगी और कब तुम मेरे सामने होगे। उफ अल्लाह कितना मुश्किल है इस तरह इंतजार करना। काफी। क्यों किया मामा ने ऐसा मेरे साथ? मुझे नहीं लगता आप आपको अपनी मॉम की इंटेंशंस पे डाउट करना चाहिए। I mean, she only wants the best for you. सही कह रही हो। मैंने तो अच्छा ही सोचा होगा लेकिन बहुत मेरे साथ गलत ही। Close to say. I mean, कभी कभी हमें लग रहा होता है जिंदगी में कि सब कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, और असल में वो शायद हमारे भले के लिए हो रहा था। You never know what life has in store for you. सारा से मैं क्या कहूंगा, मैं खुश थी, वो बेचैनी से इंतजार कर रही थी मेरा। If I were you, I would have told her everything. I think you should do the same. Call her. I'm sure she'll understand. कुछ नहीं बता सकता उसे। चलो अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? डिपार्टमेंट। क्यों? मैं वहां जाके खुद अपनी पोजीशन क्लियर करूंगा। असल आई नो इट्स नॉट माय प्लेस बट आई रियली थिंक आपकी मॉम की कॉल का वेट कर लेना चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है प्लीज। अभी चलो। ओके लेट मी गेट माय बैग।